राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खुद को प्रोटोकॉल में कमी लाते हुए एक बड़ा फैसला किया है। सीएम ने फैसला लिया है कि वो अब आम आदमी की तरह ट्रैफिक में चलेंगे, रेड लाइट पर रुकेंगे। सीएम के इस फैसले से वीआईपी मूवमेंट के कारण लगने वाली जाम से निजात मिलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने डीजीपी यूआर साहू को टेलीफोन कर वीआईपी मूवमेंट के दौरान लोगों को होने वाली परेशानी को लेकर बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने डीजीपी से कहा, वीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात नहीं रोका जाएगा। बुधवार रात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एयरपोर्ट से ओटीएस जाते समय आम जन की तरह गाड़ी में सफर किया। इस दौरान लाल बत्ती पर काफिला खड़ा भी रहा। मुख्यमंत्री को भीड़ में पाकर लोग गाड़ियों से वीडियो फोटो भी लेते नजर आए। डीजीपी ने मुख्यमंत्री से मिले आदेश के बाद जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को इसकी जानकारी दी और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को इसकी जानकारी देकर प्लान बनाने के लिए कहा। उम्मीद है कि गुरुवार से मुख्यमंत्री का काफिला आम लोगों की तरह चलेगा। हालांकि सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री की गाड़ी की चारों तरफ सिक्योरिटी वाले चलेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के डीजीपी यूआर साहू से बातचीत में बताया कि उनके द्वारा शहर में चलने के दौरान लोगों को परेशानी होती है और कई बार देखा गया है कि लोग अधिकांश समय ट्रैफिक में फंस जाते हैं, इसलिए इस तरह का प्लान बनाया जाए जिससे कि वो सड़क पर निकले तो लोगों को परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा कि उनके पास जानकारी है कि उनके सिटी में निकलने के दौरान ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, कई बार एम्बुलेंस के जाम में फंसने के फोटो मीडिया में छपती है। इस पर मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है कि वो जब भी सिटी में निकलें तो लोगों को परेशानी नहीं हो, इसलिए प्लान बनाया जाए। मुख्यमंत्री की मंशा के बाद में अब पुलिस अधिकारी सीएम के काफिले में जो वाहन है और उन वाहनों पर जो पुलिस अधिकारी है उनसे भी इस बारे में राय लेकर प्लान बनाएगी। हालांकि राजस्थान में इस तरह का कल्चर नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की मंशा आम जन को राहत देने की तो है। इस पर अब पुलिस भी काम करेगी। मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर इंटेलिजेंस एडीजी, जयपुर पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारी मिलकर चर्चा करने के बाद अब इस तरह का प्लान करेगी जिससे मुख्यमंत्री के शहर में निकलने के दौरान आम लोगों को परेशानी ना हो।